नमस्कार, आज हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आस्तीन डिजाइन। तो सबसे पहले हमारा जो ये बकरन है कटिंग किया हुआ, उस पर हम डिजाइन कटिंग करेंगे, फिर हम आस्तीन पे सेट करेंगे। इससे पहले अगर आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम इस बकरन को पहले कटिंग करेंगे। हम ऐसे करके चार परत में मोड़ेंगे इसे। ये डिजाइन 5 इंच के अंदर बनाना है। अब हम इसको धीरे धीरे यहाँ से उठा के ऐसे गोलाई में लंबे में ऐसे लेंगे। यहाँ से लेकर और यहाँ 1 इंच की चौड़ाई है और यहाँ आके इस निशान से इस निशान में मिल गया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। दूसरा निशान हम यहाँ से ये कटिंग का बनाएंगे ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए। ये है मेरी पट्टी निकलेगी बीज की, जो हमें आवश्यकता है। कटिंग करके निकालेंगे पहले। ये मेरा कटिंग हो चुका है। अब हम इसे खोल के देखेंगे। हमें इसी पट्टी की आवश्यकता है, ये तो मेरा फालतू है। अब हम इसे इस कपड़े पे, जो ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, इसी पे रख के हम इसे सेट करेंगे। तो चलते हैं अब मशीन पे, पहले अब हम सिलाई करेंगे। अब सबसे पहले हम इस पे सिलाई करेंगे, नीचे अस्तर रख के और ऊपर से हम ये बकरन डिजाइन रखूँगी। फिर ये अंदर से पहले ये मशीन चला लूँगी इस साइड में, उसके बाद ये बाहर की सिलाई करेंगे। अब हम ये कपड़ा पहले साइड से कटिंग करके निकालेंगे। अब हम इस कपड़े को मोड़ के इस पे पहले सिलाई करेंगे। ये पट्टी मेरी सिलाई हो चुकी है, बकरन से अस्तर पे जुड़ चुका है ये। अब इसी तरह से सेम हम इस पट्टी को इस अस्तर पे हम जॉइंट करेंगे, जैसे ये सिली हूँ उसी तरह से। ये आस्तीन का बकरन डिजाइन मेरा कटिंग होके सिल चुका है। तो इसमें अभी आप कुछ भी डिजाइन बना सकती हैं आस्तीन पे सेट करने के बाद। चाहे तो आप इसमें डोरी लगा सकती हैं या पाइपिंग लगा सकती हैं, कुछ भी लगा सकती हैं। तो ये कटिंग वीडियो में दिखाएंगे कि ये डिजाइन हम आस्तीन पे कैसे सेट करती हूँ, किस डिजाइन में बनाती हूँ। ये देखने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो का इंतज़ार करना होगा। और फिर ये डिजाइन आपको कैसा लगा, ये कमेंट द्वारा आप ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।